लक्ष्य हमारा क्या है? यहाँ आकर के हम बैठे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य प्रजा बनने का है। बाप हमको प्रजा बनाने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, हा? प्रजा बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं? नहीं, क्या पढ़ाने आए हैं? प्रजा एवं को पढ़ाने नहीं आए हैं। जो कह रहे हैं कि 16,000 की लिस्ट में आने से तो अच्छा, दास दासी बने उससे तो अच्छा, क्या बने? साहूकार प्रजा बने। बाप का कहने का अर्थ ये नहीं है। क्या अर्थ है बाप का कहने का अर्थ ये है कि 16,000 थर्ड क्लास माला है। क्या फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास माला कौन सी है? 8 और 108। उसमें आने के लिए मना कर दिया है? नहीं मना किया। तो जो नीचा संकल्प करने की आदि है जन्म जन्मांतर की, उनकी बुद्धि में तो झट बैठ जाएगा। क्या देखो बाबा ने कहा है? क्या क्या कहा है कि 16,000 की लिस्ट में जाकर के दास दासी बने उससे तो अच्छा साहूकार प्रजा में। अरे साहूकार प्रजा में आवे वो अच्छा इसलिए नहीं है कि उन्हें आधीन रहना पड़ता है। पराधीन सपने उ सुख नहीं, करी देखो विचार मन माही। जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है। सुख काहे में है? स्वाधीनता में सुख है या पराधीनता में सुख है? स्वाधीनता में सुख है। तो बाप तो हमको ऊंचा लक्ष्य देते हैं। क्या कहते हैं? मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाने आया हूं, राजा बनो। क्या रानी योग भी नहीं कहा? क्या राजयोग, राजा बनो। मेरे बच्चे राजा बच्चे हैं, रानी बनने वाले मेरे बच्चे नहीं है, वो मेरी माला नहीं है। क्या जो जन्म जन्मांतर राजा बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो मेरे बच्चे, और जन्म जन्मांतर रानी बनने के स्वभाव संस्कार वाले हैं वो विष्णु के बच्चे।